नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीआई 5G के बारे में, जियो 5G के बारे में और एयरटेल 5G के बारे में। तीनों का नया अपडेट आया है दोस्तों। क्या खास आया है अपडेट के अंदर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले वीआई की बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कस्टमर इस टाइम मूव ऑन कर रहे हैं एयरटेल या जियो में, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वीआई भी, वोडाफोन आइडिया भी 5G पे बहुत अच्छी स्पीड से वर्क कर रहा है। और उन्होंने अभी रिसेंटली अपना टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने लमसम 3876 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड और 219 MB की अपलोडिंग स्पीड कुछ ज्यादा कम हो गई, लेकिन दोस्तों डाउनलोडिंग स्पीड आपको अच्छी देखने के लिए मिल रही है। बैक आते हैं दोस्तों, बहुत कुछ अपडेट में आया है, लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए तुरंत, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो हम कंटिन्यू आपके लिए लेके आते रहे। चलिए दोस्तों बैक ऑन आते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जियो की। जियो क्या 29 सितंबर, मतलब सितंबर से पहले वो इनिशियल लॉन्च कर सकता है, एक बहुत बड़ी धारणा चल रही है। क्योंकि दोस्तों जियो की 45 एनुअल जनरल मीटिंग है, डेट मीन्स ये है कि जहां पे मुकेश अंबानी, मतलब कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि दोस्तों एक्सपेक्टेशन भी यही लगाई जा रही है कि शायद जियो फोन 5G, उस पर ऐसा भी, मतलब नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ वेबसाइट बोल रही है जियो फोन 5G आई के नाम से आएगा और कुछ वेबसाइट बोल रही है कि जियो फोन 5G आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। लेकिन दोस्तों उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसमें, मतलब 5G, जियो अपना 5G मोबाइल फोन लॉन्च करेगा। दिवाली तक का वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 29 सितंबर को जो कहा जा रहा है, एज पर न्यूज के हिसाब से बात की जाए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं 5G को। तो सारी कंपनियों का कहीं ना कहीं प्रेशर है कि जल्द से जल्द मैक्सिमम सिटी में अपना 5G इंस्टॉल किया जाए। तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको जियो की 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ, जैसे कि इनिशियल 5G लॉन्च कर दिया जाएगा, जो मोबाइल खरीदेंगे वो 5G चला पाएंगे, और दोस्तों जो नॉर्मल उनके अपने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी 5G एक्सेस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आते हैं एयरटेल की न्यूज़ पे। एयरटेल ने कुछ ज़्यादा थोड़ा सा चौंका देने वाला काम किया, क्योंकि उन्होंने पहला अलॉटमेंट लेटर खरीद लिया है। डेट मीन्स ये है, क्योंकि इंडिया में तब 5G स्पेक्ट्रम की ऑप्शनिंग हुई तो बहुत शोर शराबा मचा था कि 1.5 लाख करोड़ की बेच दी। लेकिन दोस्तों बात करी जाए, यहाँ पे थोड़ा सा अटपटी चीज लगी कि वो इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट लेने के लिए, ये तो फिलहाल पहले भी कह दिया था कि हम 1.5 लाख करोड़ की करें या कितने की भी बेचें स्पेक्ट्रम, लेकिन इस बार कंपनियों को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन पे प्रेशर बनाएंगे, सारा अमाउंट एक बार में देना है, आप इंस्टॉलमेंट के तौर पे भी दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एयरटेल की बात करें, एयरटेल ने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दी है, 8312.4 करोड़ वहां पे उन्होंने पहली पेमेंट कर दी है, जो कि अब बाकी पेमेंट जो है वो 4 साल में कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने जो उनकी फ्रिक्वेंसी बैंड थे, तो ऑलरेडी दोस्तों हमारी वीडियो डली भी है, ये वाली वीडियो देख सकते हैं, मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरी और रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पे आपको और अच्छी तरीके से, मतलब एयरटेल बहुत स्पीड से वर्क कर रहा है, तो क्योंकि अलॉटमेंट लेटर ले लिया है, तो शायद इनिशियली वो भी बहुत जल्दी 5G अपने एम्प्लॉयज के लिए या कुछ नया मिर्च मसाला कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 5G लॉन्च कर सकता है। लेकिन फाइनली जो आम लोगों के लिए 5G लॉन्च किया जाएगा वो 29, क्योंकि तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, तो उनके आगे कुछ नहीं, कितनी बड़ी कंपनी हो फिर वो ही उनके बाद ही होता है, लेकिन इनिशियल तौर पे स्टार्ट किया जा सकता है एज पर ट्रायल के तौर पे। और दोस्तों बात करें, फिर वापस आते हैं वीआई पे, करो या मरो एक स्लोगन आ गया है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है। जैसे कि दोस्तों बात करें वीआईपी, 13 मेजर सिटियों में, जैसे कि अहमदाबाद हो गई, बहुत सारी मेजर सिटी, गुजरात हो गई आपका, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, तो इस तरीके की सारी सिटियों में 5G पे वर्क कर रहा है। लेकिन अभी तक जो 16 साइकिल, जैसे कि ज़्यादातर कंपनियों ने 22 साइकिलों पे काम कर लिया है, लेकिन वीआई ने अभी तक 16 से 17 साइकिलों पे ही अपने नेटवर्क पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लेग जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वीआई के CEO ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम जो 5G का प्राइस लेके आएंगे वो एज कंपैरिजन एयरटेल या जियो के मुकाबले कम लेके आएंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ा बयान होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा लोग इस बयान में फंस जाते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, आप खुद एक अच्छा रिकवर पैकेज नहीं बना पा रहे अपने कस्टमर से, कस्टमर कहीं ना कहीं जो
बात की जाए जो आपकी करंट सर्विस है उसे छोड़ के 5G के लिए, या मतलब बात की जाए 4G के लिए, या और अच्छी मतलब फैसिलिटी के लिए एयरटेल या जियो का चुनाव कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट कि क्या आप उस स्थिति में हैं जो नॉर्मली एक कम प्राइस में भी एक अच्छा मतलब एक अच्छा बेहतर 5G लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए, और वो प्रोवाइड कराया जाए कोई ऐसी डेंस मतलब बात की जाए पॉपुलेशन में, वो 5G यूजेबल रहेगा या नहीं रहेगा, एक वो भी बहुत बड़ी समस्या रहेगी। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली बात की जाए VI ने जो अपना टेस्ट किया था पुणे के अंदर, तो वहां पे उनकी जो टॉप स्पीड थी, जैसे कि दोस्तों जो स्पेक्ट्रम यूज किए गए थे वो नोकिया के किए गए थे, तो ये हमें याद रखना चाहिए, और उनकी जो टॉप स्पीड मिली मतलब डाउनलोडिंग आज की जाए 5.92 GB, मतलब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मतलब 3876 MBPS के दिखा रहा है, लेकिन इनिशियल जो न्यूज है वो यही है कि लमसम 6 GB मतलब 6 GB को छू गई थी। लेकिन अब इस मोबाइल को देखकर ये नहीं कह सकते क्या ये टैबलेट है या मोबाइल है, क्योंकि इसे स्पेशल डिजाइन किया गया और इसे इस तरीके से रखा गया है कि इसके अंदर रेडिएशन का बम है। आप हैंड में यूज करके दिखाते, आप नॉर्मल चला के दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसे आप बांध के दिखा रहे हैं तो वहां पे इफेक्ट पड़ता है कि जनता पे कि क्या ये यूजफुल है भी 5G या नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पे दूरदर्शन में बाकायदा पूरा प्रोग्राम आया था, उन्होंने पूरा बहुत क्लियर एंड डिटेल में शेयर किया है, तो आप दूरदर्शन पे अभी यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है, फिलहाल लाइव चलता है, तो आप डालेंगे दूरदर्शन 5G स्पेक्ट्रम रेडिएशन से, तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, 30 मिनट का प्रोग्राम देखिएगा जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रेडिएशन से रिलेटेड आपके दिल में कोई भी इशू। तो दोस्तों यहाँ पे और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लॉन्चिंग है, ऐसा नहीं है कि VI इंडिविजुअल लॉन्चिंग करने वाला है अपनी, तो जियो का एयरटेल का मतलब थोड़ा कम सिटियों में जरूर कर सकता है, लेकिन साथ में पार्टिसिपेट करेगा, और कहीं ना कहीं जो इंजॉयमेंट है आपको अक्टूबर से लेकर सितंबर के बीच में देखने के लिए मिलने लगेगा, जैसे कि जियो की बात की जा रही है वैसी एयरटेल की बात की जा रही है। अब कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेट है, क्योंकि करो या मरो वाली कंडीशन में, तो दोस्तों हमेशा यही है कि आपको साथ में ही चलना पड़ेगा, तभी इनिशियल फेज में आपको 5G लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक तो फिलहाल यही अप टू डेट है, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्द से जल्द हम आपके पास नई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।